गुड मॉर्निंग हेलो एवरीवन, अभी मर जाते भाई गाड़ी के नीचे। गुड मॉर्निंग तो ऐसे हो जाता हमारा गाड़ी के नीचे आगे। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बैक टू चैनल। एक और नई रिकॉर्डिंग शुरुआत। ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और जो मैं कह रहा था कि कुछ नए प्लान है, तो उस प्लान में एक और चीज़ नई शामिल हुई है, दैट इज़ बाइक टॉक। ठीक है, सो अब से जैसे मैंने इंस्टा स्टोरी पर भी डाला था, यहाँ पर भी मैं पूछ लेता हूँ सबसे। तो ऐसा होगा ऑल्टरनेट डेज में दो या तीन दिन के बाद हमेशा एक बाइक टॉक की वीडियो निकालेंगे, ऑफिस घर से ऑफिस तक का जो रास्ता है और ऑफिस से घर तक का जो रास्ता है उसके लिए। तो सब कमेंट में एक एक टॉपिक लिख दो, या फिर जो इंस्टा पे मेरे साथ एडेड है वो इंस्टा पे मेरे को डीएम कर दो, कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो। एक टॉपिक पर एड, वो कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्सल टॉपिक ले लो उसको। ठीक है, जैसे कि इन जनरल फ्रेंडशिप हो गया, नॉट जस्ट मेरी फ्रेंडशिप बट फ्रेंडशिप एक टॉपिक हो गया, उसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी, किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ भी करना है तो भाई नीचे कमेंट कर दो एंड एक पूरा व्लॉग उस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे अपन। ठीक है, जिसमें ब्रीफ करेंगे एक एक टॉपिक को लेके, क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, या फिर चलो फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, लव, हार्ट ब्रेक, सब कुछ के ऊपर अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, जितनी मेरी नॉलेज होगी उतनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना सबसे कुछ पूछ सकेंगे वो, देन इस तरीके से अपन कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, कल से करते हैं, आज जैसे व्लॉग आ जाएगा बता देना, बाकी इंस्टा पर जब तक इनसाइड आते हैं वहाँ से एक एक टॉपिक चूज़ करके हर दो तीन दिन में एक नया बाइक टॉक बनाएंगे, बढ़िया वाला। और अभी तक अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूँ तो भाई जो मेरे को इंस्टा पर सबसे ज़्यादा आया है भाई दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये वाली चीज़ें। तो भाई फ्रेंडशिप क्या है, अगर मेरा दोस्त मेरे एक कॉल पर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और वो मेरे को बता रहा है मेरी हर एक प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़ा है, एक कॉल पर नहीं भी आ रहा है, कम से कम भाई मेरे को मॉरल सपोर्ट दे रहा है ना, तो मेरा दोस्त ही तो है। और क्या है, दोस्त कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यार वो अपना कोई कॉलेज का होगा, स्कूल का होगा, ऑफिस का होगा, कोई भी रैंडम पर्सन। मतलब अगर मैं जब पीजी में रह रहा था और उधर पर पंकज भैया की टपरी पर हम लोग बैठ रहे थे, तो पंकज भैया तो मेरे दोस्त थे, क्योंकि वो मेरे काफ़ी सारे अप डाउन मूड्स ये सब चीज़ें जानते हैं। अब डिपेंड करता है, मेन चीज़ दोस्त तो नहीं है, दोस्त तो कोई भी बना लेता है। तुम रैंडमली किसी से दो दिन बात करो तुम्हारे दोस्त की कैटेगरी में आने लग जाएगा, वो कोई नई बात नहीं है। द डिफरेंस इज अच्छा और बुरा दोस्त। ठीक है, तुम्हें पता होगा कॉर्पोरेट लाइफ में हम लोग, तो कॉर्पोरेट लाइफ में हर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, हर टाइप के, मतलब अच्छे बुरे, पीने वाले, खाने वाले। अब मैं इतनी पार्टीज में चला गया, इतने सारे मेरे दोस्त हैं, नॉट जस्ट दोस्त, मतलब शायान आदित्य से हट के सीनियर सब हैं, मनोज सर वगैरह सब कुछ। तो हम लोग कहीं पे भी जाएँ, आज तक कभी किसी ने मेरे को फोर्स नहीं किया कि भाई तू पी, भाई तू सुट्टा मार, कुछ कर, तो क्या ये मेरे दोस्त नहीं हैं? हमारे में एज गैप है, मनोज सर को मैं कितने टाइम से डांटती हूँ, ज़्यादा 4 महीने से, आदित्य शायान को 4 महीने से, बट इन लोगों ने कभी हमें फोर्स नहीं किया। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ना इनका खुद किसी चीज़ का है, ना मेरे से किसी चीज़ का है, तो ये चीज़ें और क्या है, ये भी तो एक अच्छे दोस्त की पहचान है। अब बुरे दोस्त वहीं पे कौन होते हैं, मैगी, जो आपको लत डलवाए किसी चीज़ की अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, जो बोले आपको कि यार क्या ही होता है, कर ले मज़ा आएगा, ये वाली दोस्ती और नॉर्मल दोस्ती में फ़र्क होता है, ये चीज़ें तुम्हें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, दोस्ती करो जितनी मर्जी करो, मेरे से ज़्यादा दोस्त तो शायद ही किसी के होंगे, मेरे को बच्चा जानता था कॉलेज में भी। ठीक है, हर एक इंसान जानता था स्कूल में भी, बट हर किसी को दोस्त मैं स्कूल टाइम तक कहता था, कॉलेज में आने के बाद मेरा एक प्रिसाइज ग्रुप है, अगर तुमने देखा भी होगा ना तो मेरे ग्रुप में जितने वो 4 से 5 लोग दिखते हैं वो आज तक भी वही दिखते हैं, उसके अलावा ना मैंने कभी ऑफिस में आके किसी को दोस्त कंसिडर किया, ना कुछ किया। ठीक है, अब आदित्य लोगों के साथ में रहने लगा तो उनके साथ मेरा बॉन्ड हो गया, अदरवाइज जब तक हम नए नए थे तो कोई बॉन्ड नहीं था, सकता कोई दोस्ती नहीं थी, कुछ नहीं था। अब वो दोस्ती अच्छी होती जा रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग साथ रहने लगे हैं, दूसरे को पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, दोस्ती करो, लिमिट में करो, और अगर पूरी खुल के भी कर रहे हो ना, जहाँ ज़्यादा भी बना रहे हो, तो एटलीस्ट नो योर लिमिट्स, नो योर बाउंड्रीज, कि भाई कौन सा कितना हमारा कितना अच्छा दोस्त है ना रोहे। Are you listening to me? What I am saying? What is the definition of friendship according to you? अरे I am asking you, bro. You don't have any answer. You don't have any friends, but you do have friends. अरे in general,
तेरे लिए दोस्त, तेरे लिए दोस्ती क्या है, मैं कई दोस्ती जा रहे, दोस्ती कुछ नहीं है, ऐसा दोस्त इन्हें दोस्त कहो ही मत, ये सारा आपकी इनके सामने है, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग है भाई, अगर तुम्हें किसी को दोस्त बनाना है, किसी को दोस्त मानना है, तो भाई पहले तुम उसका दोस्त बनो, पहले तुम खुद एफर्ट डालो। आजकल की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि लोग सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, वो मेरे लिए ये सब कर दे, वो मेरे लिए वो सब वो कर दे, और खुद तुम क्या करते हो वो कोई नहीं देखता, ठीक है। तो फॉर मी दोस्ती इज़ अ वेरी प्योर थिंग, उसको स्पॉइल मत करो। हाँ जी, ये आदमी मेरे किसी चीज़ में साथ नहीं देता, रॉय को हमसे ज़्यादा मतलब ये, रॉय का इज वेरी क्लियर कि भाई मैं तुम्हारे साथ 4 महीना हूँ, उसके बाद मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें मेरे से नहीं लेना है। तो वो ना हमें फ्रेंड्स कंसिडर करता है, ना हमें वो कंसिडर करवाने देता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ही इज़ अ कुलीग एंड ही वॉन्ट्स टू स्टे इन दैट फ्रेम, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस थिंग, ठीक है, कि आपको अपने लिमिट्स पता है, ही नोज हिज लिमिट्स, कि यार ठीक है मेरे को ज़्यादा अटैच नहीं होना, ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं करना, क्योंकि ही डोंट इवन नो कि आगे क्या होगा फ्यूचर, मे बी हम लोग उसके बाद 6 महीने के बाद साथ रहे ना रहे, हो ना हो, तो वो वाली जो अटैचमेंट हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। दिस इज द ओनली रीज़न, तुमने देखा होगा कि वो हमारे साथ ना कहीं घूमने जाता है, ना पार्टीज में जाता है, कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो ही नोज हिज लिमिट्स, वहीं का अधिकतर मेरा है कि यार ठीक है, अगर हम अपन कभी ऐसा किसी पॉइंट ऑफ टाइम में होता है कि हम लोग दो अलग अलग सिटीज़ में होंगे, दो अलग अलग स्टेट्स में होंगे, या इन केस दो अलग अलग कंट्रीज में होंगे, तो वी विल बी मिसिंग द बॉन्ड वी आर शेयरिंग राइट नाउ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें कर ली ना, उल्टी हरकतें देख ली, सब कुछ करके देख लिया, तो वो चीज़ें एक हो जाती है, ठीक है। यही सब मेरे को कॉलेज वालों की है, तो कॉलेज वाले भाई मेरे को स्कूल वाले अपने, ठीक है स्कूल वाले दोस्त मेरे बहुत अच्छे थे, जो थे कुछ, ठीक है, बट वो बहुत अच्छे थे, बट कॉलेज वाले की उतने स्पेशल है, क्योंकि भाई मेरी एक कॉल पर खड़े रहे हैं बंदे, जो व्यांश को मैं रात को कॉल किया, मेरे को आज भी याद है वो दिन, शिक्षा अगर तू देख रहा है तो, जिस दिन मेरी गाड़ी तेरे घर से थोड़ा सा दूरी पे खड़ी हुई थी, मतलब खड़ी हो गई थी, कार ख़राब हो गई थी रात में, मम्मा और मेरे सब मतलब बहन और दोस्त वगैरह थे उस दिन पे, और कोई नहीं था मेरे अलावा लड़का, ठीक है, आई वॉज द ओनली पर्सन राइट देयर। उस टाइम पे भी वो शख्सा रात में 11:30 बजे अपने घर से मेरे लिए आया था, ठीक है, मेरे एक्सीडेंट के लिए मैंने एक प्रैंक कॉल किया, तो शख्सा आने को तैयार था, आकाश आने को तैयार था, दोस्त तो और क्या यार है। और मैं आज भी जानता हूँ कि अगर मैं अभी कॉल करके बोल दूँ ना अपने उन कॉलेज वालों में से किसी से भी, और मतलब दिव्यांश, आकाश, उत्कर्ष, तनिष, किसी को भी, पीयूष के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, रिसेंटली में ही डिड समथिंग फॉर मी जो बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है, जो आई कांट शेयर ऑन दिस ब्लॉग ऑब्वियसली, बट हाँ किसी को भी बोल दूँ कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ ना भाई, वो बंदे यहाँ आ जाएंगे, नो मैटर वो फ्लाइट्स आएँ, ट्रेन आएँ, कैसे। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट आई हैव ऑन देम, और वो एक बॉन्ड जो उनके और मेरे बीच का है, ठीक है। अब बारी आती है जो लोग कहते हैं कि लड़कों की दोस्ती इज़ वेरी नाइस कंपेरेटिवली टू लड़कियों की दोस्ती, तो मैं बोलूँगा यार ये चीज़ भी कुछ सही नहीं है। अगर मैं इन्हीं दोस्तों में इन जनरल बताऊँ, रिचा की बात ना, वो भी मेरे लिए खड़ी होगी भाई, इतनी सेलेक्टेड दोस्ती की है ना, इतनी सेलेक्टेड और इतनी अच्छी कि क्या बताऊँ, मतलब मुझे नहीं पता लड़कियों की दोस्ती अच्छी होती है, बेकार होती है, ख़राब होती है, क्योंकि मैंने ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छे से पता है लड़कियों की दोस्ती कैसे होती है, बाय द वे स्कूल टाइम के एक्सपीरियंस से बताऊँ तो, आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर लड़कियों की दोस्ती में, बट कॉलेज में आके व्हेन आई मेट रिचा, शुभी, ये लोग, दीज गर्ल्स आर द बेस्टेस्ट गर्ल आई एवर हैड एज फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं अभी बोल दूँ इनमें से किसी को आने के लिए, बिना सोचे समझे आ जाएंगे, शुभी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली इशूज़ की वजह से, बट रिचा बिना सोचे आ जाएगी भाई। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट आई हैव ऑन देम, और बहुत सोच समझ के, बहुत चीज़ें एनालाइज करने के बाद ये दोस्ती करी है मैंने, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यार, मतलब करो दोस्ती, अच्छी बात है, बट थोड़ी लिमिट्स अपनी पता रखो। एक और टॉपिक है मेरे पास इसी चीज़ से रिलेटेड, जो मेरे को अभी माइंड में क्लिक हुआ है दोस्ती से रिलेटेड, बट क्या हम उसको किसी और उस पर कवर करें या यही कर दें, शाम को कर दें, डेडी पे करते हैं, कि क्या दोस्ती में प्यार लाना चाहिए या प्यार में दोस्ती लानी चाहिए। प्यार में दोस्ती तो चलो ठीक है, इट इज़ नॉर्मल, दोस्ती में प्यार लाना चाहिए, तो इसके ऊपर, चलो इसके ऊपर भी बात करते हैं, आते हुए करते हैं आज ऑफिस से आते हुए, ठीक है। फिलहाल तो अरे तो सर क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
कि सपोज़ कोई आपकी दोस्त है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, लड़की अच्छा। फीमेल हाँ, तो अगर आपको इनसे प्यार हो जाए तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है दोस्त से प्यार करना? ये डिपेंड करता है किस पे, कि तुम शादीशुदा हो या फिर नहीं। नहीं, शादीशुदा नहीं, बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब इन जनरल कि आपकी एक दोस्त है और आपको उससे प्यार हो गया तो क्या प्यार करना सही है? सही। क्यों सही है सर? एक रीजन, क्योंकि जिसके साथ तुम रह चुके हो उसको पता है तुम्हारे बारे में, हाँ, तुमको भी इसके बारे में पता है। बट अगर आप लोग बाय एनी चांस अलग हो गए बाद में, ठीक है, एक रिलेशनशिप में आए अलग हो गए, तो फिर आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी, तो ऐसे में दोस्ती खराब हो जाती है। तो फिर अगर ये लॉन्ग जर्नी के लिए चल गई हम्म, तो फिर अच्छी बात है ना। और नहीं चला तो दोस्ती भी रहेगी, और नहीं चला तो नहीं चला तो नहीं चला ऐसे तो दोस्ती खराब होने का दुख नहीं होगा? क्यों होगा यार, दुख दोस्त नहीं, जब प्यार हो जाएगा ना तो दोस्ती अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्यार हो गया तो क्या ये चीज़ सही है कि उसको दोस्ती रखना चाहिए या प्यार रखना चाहिए? नहीं, प्यार अगर वो कंफर्टेबल तो प्यार में कन्वर्ट कर दो, प्यार में कन्वर्ट कर दो। बट अगर ब्रेकअप हो गया तो दोस्ती खत्म, खराब, वो मैच्योरिटी के ऊपर है। मैंने तो कभी दोस्ती खत्म नहीं करी। मतलब तूने अपने दोस्त से प्यार किया तो बहुत अच्छा दोस्त था थी मतलब, ठीक है सर साइड। अरे यार ये सब नहीं जानना हमें तेरा, नहीं क्यों, क्योंकि दोनों चीजें अफेक्ट करती है, दोस्ती भी प्यार भी। आपका मेरा आंसर बिल्कुल सेम है। हेलो, प्यार क्या है? प्यार प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। ओह, तो भाई गुड इवनिंग, ऑफिस हो गया है खत्म, और सबके इनसाइट्स लेने के बाद मैं जो है दीपांशी मैम वाली स्टेटमेंट से पूरा का पूरा जो है अपने आप को सहमत मानूंगा। दैट इज़ कि दोस्ती में प्यार नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे दोस्ती भी ख़राब हो जाती है। मतलब हो सकता है किसी का अलग अलग हो, बट अगर आप किसी के साथ प्यार कर लेते हो, ठीक है, या दोस्ती आपने उसके साथ कर ली और तब आप उस दोस्ती में प्यार बीच में इंक्लूड कर दो, और बाय एनी चांस किसी रीज़न से लास्ट में वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो ना दोस्ती रहेगी ना प्यार रहेगा, ठीक है। फिर एक इंसान जो कभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एज अ फ्रेंड टू अस, वो बिल्कुल स्ट्रेंजर बन जाता है। तो सीइंग समबडी फ्रॉम आर क्लोजेस्ट टू समवन अननोन टू अस इज़ अ बिट हार्ड एंड हार्ड ब्रेकिंग टू, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा कुछ मानना है कि यार अगर दोस्ती करते हो किसी से तो उसे दोस्ती में रहने दो, और अगर किसी से प्यार करते हो तो उसे स्टार्टिंग से बता के चलो कि येस आई फील फॉर यू, ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता। वो बंदा या तो पहले ही डिस्टेंस कर लेगा, अदरवाइज वो तुम्हें उस तरीके से ट्रीट करेगा, अदरवाइज वो खुद तुम्हारे लिए फॉल ऑफ करना स्टार्ट कर देगा, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। ऐसा इसके लाइव एग्जाम्पल्स हैं मेरे अपने खुद के कुछ दोस्त जो अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, बात नहीं करते, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं कुछ, और उन दो दोस्तों की वजह से, जिसमें मैं नहीं कहूँगा किसी की गलती, यार कोई भी किसी के लिए भी फीलिंग्स कभी भी ला सकता है, बट उसे एक्सप्रेस कर देना एकदम से ऑल ऑफ अ सडन बिना किसी इंस्टिंक्ट या फिर सामने वाले का कुछ जाने, वो चीज़ दोस्ती खराब करती है। दैट थिंग मेड आर ग्रुप डिवाइड इंटू टू, ठीक है, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली जानता है, बट मैं किसी की वजह से स्पेसिफिकली मैंशन नहीं करूँगा। उससे तू प्यार में पड़ जाए तो तेरे को कन्फेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बस कन्फेस तो कर दे, अंदर रख के क्या मतलब है ना। बट अगर वो रिजेक्ट कर दे तो क्या दोस्ती खराब करनी चाहिए? नहीं, दोस्ती कभी खराब मत करो, दोस्ती कभी खराब है ना। चाहे कितनी भी अच्छी दोस्त हो, कुछ भी हो, अगर रिलेशनशिप स्पॉइल होता भी है तो दोस्ती मत खराब करो यार, तो है ना। यस, वहीं पे अगर बीच में ईगो आ जाए ना रिलेशनशिप एंड होने के बाद दोस्त के साथ, तो वो चीज़ ख़राब कर देती है। तो दोस्ती मत खराब करो, दोस्ती को हमेशा बनाए रखो, तब चीज़ें सही रहती हैं। और चप्पल मत पहनो चलेगा, है ना, ये चप्पल नहीं पहनते नवरात्र में, चप्पल नहीं पहनते? अच्छा, सॉर्ट ऑफ मान्यता टाइप्स ऐसा है ना, बट दिस इज नॉट अ मोटो ब्लॉग, शट अप, ओके, वेयर वाज आई, हाँ ठीक है यार। मतलब अगर मेरी कोई बहुत अच्छी दोस्त है तो, और अगर मैं उससे प्यार करने लगता हूँ तो आई विल जस्ट कन्फेस किया, ठीक है, आई डू फील फॉर यू, बट मैं तेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, अगर तू कर रही है तो कर, नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, आई एम गुड एज फ्रेंड टू यू,
बट हाँ आई डू फील फॉर यू, ठीक है, ये वाली चीज़ एकदम क्लियर रहती है ना अगर दिमाग में, तो वहाँ पे दोस्ती स्पॉइल नहीं होती। और अगर किसी से है तो भाई सीधा बोलो कि मेरे को तेरे से दोस्ती करनी नहीं, इनिशियली बोल दो कि दोस्ती करनी नहीं, आई डू फील फॉर यू, मेरे को तेरे को दोस्त बना के नहीं रखना, अगर तेरे मन में कुछ है तो ठीक है भाई बात, ठीक है, बट ये इनिशियल स्टेज में होना चाहिए। एक बार बॉन्ड बनने के बाद अगर तुम ये वाली हरकतें करो तब नहीं। ओह वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू टेल समबडी अबाउट फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, माय गॉड। तो ऑलमोस्ट हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, और मेरे को बताना कि ये बाइक टॉक का आज फर्स्ट डे था, कैसा लगा? कुछ इनिशिएट किया है मैंने, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें कुछ फ्लॉज होंगे, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, वॉट एवर इट विल बी, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना। और वीडियोस कुछ चाहिए नहीं चाहिए, जैसे मैंने अभी दो तीन टॉपिक्स हैं आई हैव जो मेरे को किसी ने बताया है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑल ऑफ अस ऑल इन अ जर्नल, कॉरपोरेट लाइफ एंड रियलिटी ऑफ कॉरपोरेट लाइफ, ये मेरे पास चार टॉपिक्स हैं। तो अगला किस पे चाहिए वो भी एक बार बताना मेरे को, या इनके अलावा किसी और पे चाहिए तो वो भी बताना, ठीक है। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली कर देना, बाकी जाके पेटीज खाते हैं। Vroom, vroom.